वाई चैनल ऑनलाइन जी एस वाई दिवाकर। इस वीडियो में देखिए, हम लोग फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का जो बैच है आप लोगों का, वो आज से रेगुलर स्टार्ट हो चुका है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये इस नंबर पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। अब तक देखिए हमने 2 से 3 लेक्चर हम लोगों ने देखे, उस पर टेस्ट भी कर लिया था, तो आज से रेगुलर चलेगा आपका। डेली आपको टेस्ट वीडियो पीडीएफ जो पेड ग्रुप है उसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस आपको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इसमें जो सिलेबस में एक नई रणनीति के तहत हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे, और चूंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है इसलिए सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे सिलेबस में जो भौतिक भूगोल के पार्ट हैं, ठीक, भौतिक भूगोल में आपका जैसे आ गया जियोमॉर्फोलॉजी है जिसे स्थल मंडल कहते हैं, यानी स्थल मंडल का अध्ययन उसमें किया जाता है भू आकृति विज्ञान में, और इधर आपका जल मंडल इसमें आता है यानी कि समुद्र विज्ञान आप कह सकते हैं, इसके अंतर्गत वो टॉपिक आ जाएंगे। वायुमंडल वाले जो टॉपिक हैं वो आपके क्लाइमेटोलॉजी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी के जो देखिए उच्च माध्यमिक स्तर में 55 प्रश्न आने हैं और ग्रेजुएशन वाले में भी 55 आने हैं, पीजी लेवल पर केवल 10 प्रश्न आने हैं, ठीक। लेकिन इस 10 प्रश्न को हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करने क्योंकि उसका सिलेबस भी कम है, और यहाँ से जो पूछे जाएंगे वो टॉपिक अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको पीजी लेवल के किस तरह से दिया गया है। देखिए यहाँ पे पीजी लेवल में जो स्पष्ट लिखा गया, यानी कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट आप कर ले जाएंगे। भू आकृति की संकल्पनाएँ हैं, ढाल मूल्यांकन है, और भू आकृति मानचित्रण का प्रयोग है, और पर्यावरण भू आकार की है, ठीक। तो इससे जो प्रश्न आएंगे वो डायरेक्ट आएंगे, बहुत डीप तो जाके पूछेगा नहीं कि आप जो है ढाल स्लोप एनालिसिस के अंतर्गत जो भी सिद्धांत दिए गए हैं केवल उन सिद्धांतों के बारे में दे देगा और पूछेगा कि भाई इसको प्रतिपादक कौन है इसका, जैसे आपका इसमें डेविस और पिंक का दे दिया, गिलबर्ट का दे सकता है, तो उसके डीप में आपको प्रश्न नहीं बनाएगा। बल्कि जो कॉलेज लेक्चरर का जब आपका एग्ज़ाम होगा तब वहाँ पर थोड़ा सा डीप जाके प्रश्न बनाएगा, यानी कि जो सिद्धांत दिए गए उसके अंदर जाके। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए आप देखेंगे क्या बनाएगा, केवल आपको ये दे देगा जैसे डेविस और पिंक में मान लीजिए एक आध अंतर दे दिया विकल्प में, तो ये बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न बनाएगा तब, ठीक। तो यानी कि आपको इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना। यहाँ पे देखिए टॉपिक भी देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर आपका, यानी टोटल 7 टॉपिक हैं, 7 यूनिट आप कह सकते हैं, और इनसे 10 प्रश्न आने हैं, ठीक। और इसमें ये सीमित चीज़ें दी गई हैं, जबकि यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल में थोड़ा सा अलग दिया गया है। तो हम मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो हम लोग यहाँ पे बैच में डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भौतिक भूगोल को लिया, और भौतिक भूगोल में हमारे पास स्थल मंडल का अध्ययन किस में होगा, जियोमॉर्फोलॉजी में होगा। तो सबसे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी के सिलेबस को एक तरफ कर लेंगे, यानी कि उसके टॉपिक कौन 10+2 में है, यानी कि 12th क्लास में है, कौन ग्रेजुएशन लेवल है, कौन पीजी लेवल है, तो इनको क्या करेंगे एक साथ कर लेंगे। चलिए आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से आपको करना है। उससे ये फ़ायदा होगा आपका कि आपको एक जगह उन टॉपिक का कलेक्शन मिल जाएगा, यानी कि आप एक साथ एक यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि हर एक सेक्शन में आके, जैसे आप उच्च माध्यमिक स्तर पढ़ लिए फिर ग्रेजुएशन लेवल में आके फिर आपको वही भू आकृति विज्ञान में जाना पड़े, तो ऐसा नहीं। एक साथ आप एक टॉपिक को क्लियर करिए, उस पर प्रैक्टिस सेट करिए, उस पर जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उसको करिए, जो आपके डाउट्स हैं उसको भी क्लियर किया जाएगा, ठीक। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में देखिए हमने एक तरफ कर लिया भौतिक भूगोल, और ये आपका स्थल मंडल हो गया, और स्थल मंडल में आपको ये टॉपिक देखने हैं कि देखिए 10+2 में आपको क्या मिला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, चट्टानें देखिए आपके 3 प्रकार की, जिसमें आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, ठीक, इसको भी हम लोग देखेंगे। और जिसमें अब तक जो आप लोगों को कराया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो चुका है, इस पर प्रैक्टिस भी हो चुका है, चट्टान में केवल आग्नेय अभी तक हुआ है, आग्नेय पे आज जो आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, और अवसादी का आपको वीडियो लिंक और पीडीएफ जो है जो पेड बैच है उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग कायांतरित को देखेंगे, फिर आपका भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी है, प्लेट विवर्तन की स्थल रूप में देखें, पवन निर्मित द्वारा स्थलाकृतियाँ कौन सी, यानी पवन के कार्य, हिमनद के कार्य और नदी के कार्य। और इसमें हम लोग एक्स्ट्रा में जो कर लेंगे ये आपका भूमिगत जल का भी इसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे, यानी कि जो कास्ट स्थलाकृतियाँ हैं इसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे।
तो ये आपका 10+2 के सिलेबस में है जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी है। और इसमें देखिए जो आपका दिया गया ये ग्रेजुएशन लेवल का है, तो ग्रेजुएशन लेवल में आपको जो दो टॉपिक ये हैं भू संचलन है और भू संतुलन है, ठीक, इन दोनों को पढ़ने हैं, यानी कि जो अर्थ मूवमेंट है इसको पढ़ना है आपको। तो ग्रेजुएशन लेवल में आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, किससे, स्थल मंडल या जियोमॉर्फोलॉजी से। और पीजी लेवल में आपको देखिए भू आकृतिक विज्ञान की जो संकल्पना है, ढाल मूल्यांकन, भू आकृति मानचित्रण का प्रयोग और पर्यावरण भू आकार की, यानी एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी, ये आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये टोटल क्या हो गया, ये आपका टोटल हो गया कि जियोमॉर्फोलॉजी का जो सिलेबस है आपका, ये फर्स्ट ग्रेड में जो 10+2 लेवल यानी उच्च प्राथमिक स्तर और ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल का, ये टोटल हो गया, यानी कि इससे ज़्यादा आपको उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक। कुछ टॉपिक रहेंगे जो एक्स्ट्रा कराया जाएगा, वो आपका जैसे यूनिट कंप्लीट होता है फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको पॉइंटर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप कम समय में उस टॉपिक से, यानी जैसे जियोमॉर्फोलॉजी से कुछ टॉपिक मान लीजिए आपका छूट रहा है तो वह भी वहाँ से क्लियर हो जाए। चलिए आगे हम लोग बात करें कि जलवायु विज्ञान और वायुमंडल के अंतर्गत आपको क्या क्या टॉपिक इसमें देखने को मिलेंगे। तो 10+2 में आपको वायुमंडल की संरचना संगठन, सूर्या तप ऊष्मा बजट, पृथ्वी के सॉरी विश्व के जलवायु प्रदेश, ठीक। और ग्रेजुएशन लेवल में आपको कौन से हो गए, तापीय व्युत्क्रम, वायदा पेटियाँ, पवन संचार। जलवायु वर्गीकरण में आपको कोपेन और थॉर्नथ्वेट के पढ़ने हैं, जबकि वायुमंडल या जलवायु विज्ञान का जो पीजी लेवल का सिलेबस दिया गया उसमें ये टॉपिक नहीं इंक्लूड है, ठीक, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी उसमें नहीं ऐड है। अब देखिए कि जो आपका जलमंडल है, जलमंडल में आपको क्या क्या देखना है, यानी समुद्र विज्ञान में सागरी नितल हो गया, इसका उच्चावच, लवणता हो गया, ज्वार भाटा है, धाराएं हो गई, निक्षेप है और प्रवाल भित्ति तथा एटॉल। इसमें भी देखिए ग्रेजुएशन लेवल में आपका ये तीन टॉपिक हैं और इंटर लेवल में आपका ये चार टॉपिक हैं, ठीक, जबकि पीजी लेवल में ओशनोग्राफी से आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि पूरा एक अलग आपको फॉर्मेटिंग कर लेनी है, एक एक यूनिट का, यूनिट का यानी कि जो भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं उसको आपको अलग से यहाँ पे कंपाइल कर लेना है, ताकि आपको ये लगे कि जब आप इसको कंप्लीट करें तो एक ही साथ आपका ये इस टॉपिक से जितने आपका यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया गया है सब कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपको अलग अलग लेवल पे आके उसको अलग से ना पढ़ना पड़े, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ये किया है और आपको पेड बैच में आपको कंप्लीट डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा जो लेक्चर हुए हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और ये आप लोगों का एग्ज़ाम का देखिए अभी सेकेंड ग्रेड का जो आप लोगों का एग्ज़ाम का था, ये जनवरी 2023 के आसपास ये नोटिस आई है, अभी उस नोटिस को मेंशन कर दिया जाएगा अलग से। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड का पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी का पीडीएफ वीडियो टेस्ट कराए जाएंगे, साथ ही इसमें एक्स्ट्रा जो रहेगा उसमें आपका जैसे राजस्थान स्पेशल हो गया वो भी यहाँ पे आपको उसका भी पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए नेट का भी आपका चल रहा है, नेट जेआरएफ का, टीजीटी पीजीटी जो यूपी में अभी आने वाली है वैकेंसी, ये आपका 25 मई तक जो है इसमें पोर्टल खोला गया है कि यहाँ तक अध्याचन जो यानी कि जो सत्यापन कराना है ये हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें ये भी मेंशन है कि इसके बाद ये पोर्टल नहीं खोला जाएगा, और चूँकि अभी जो सदस्य हैं मेम्बर हैं इनकी भी नियुक्ति हो नहीं पाई है, तो जल्दी से जल्दी इनकी भी यदि हो जाएगी संभवतः, तो मान के चलिए कितनी भी जल्दी होगी तो ये आपकी जो वैकेंसी है जुलाई के आसपास तक संभवतः आ जाएगी, ठीक, यदि और कोई अड़चन न हुई तो, ठीक। तो यानी कि यूपी में भी आपको टीजीटी पीजीटी मिल जाएगी, राजस्थान का आपका फर्स्ट ग्रेड और वहाँ टीजीटी है, और राजस्थान में देखिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के भी लगभग 1000 पदों की संस्तुति हो चुकी है शासन से, अब लोक सेवा आयोग वहाँ का यानी आरपीएससी जब भी जारी कर दे नोटिफिकेशन तब भी आ जाएगा, ये 1000 पोस्ट हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का। और यूपी में भी 918 पोस्ट जो है ये हायर से आएंगे, 384 समथिंग पोस्ट जो है ये 398 आई थिंक है ये लोक सेवा आयोग से है, हालांकि लोक सेवा आयोग से हर एक सब्जेक्ट में बहुत कम सीटें होती हैं, तो फिर भी यहाँ पे ये न्यूज़ आप लोगों के लिए यूज़फुल है।
तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो बैच चल रहा है। तो आज से रेगुलर बैच हो गया है और इसमें मान लीजिए यदि आप लेट जुड़ते हैं तो आपको टोटल मिल जाएगा जो चीज़ें हुई हैं। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।